सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने हानफेंग को मार दिया था, जिससे सभी जियोयान की पावर देखकर हैरान रह गए थे। जियोयान जानता था कि हानफेंग की स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी जिंदा होगी, इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी के पास आ गया था। पर हानफेंग ने खुद को बचाने के लिए सिर्फ अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में छोड़ा था और अपनी स्पिरिट को एक पहाड़ में छिपा लिया था। जियोयान एक एल्केमिस्ट था, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसने आसानी से हानफेंग को पकड़ लिया था और एक बोतल में बंद कर लिया। और मैनिंगशांग और मोतियान जिंग भी जियोयान की पावर से डर गए थे, इसलिए उन्होंने उसे रेस्पेक्ट दी थी। और इंगशांग ने जियोयान से वादा किया था कि वो दोबारा से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मोतियान जिंग ने जियोयान से कहा था कि मैंने वादे के मुताबिक हानफेंग का साथ नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। लिटिल फेई डॉक्टर ने उसे मोया को ठीक करने के लिए एंटीडोट दे दिया था। ईशान और मोतियान जिंग वहाँ से चले गए थे। जियोयान जानता था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने मोयान वैली में काफी सारे ट्रेजर को छिपा कर रखा होगा, इसीलिए उसने जियन को अपनी पावर से ट्रेजर को ढूंढने को कहा था। उन्हें लग रहा था कि जियन के पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, पर जियन ने सिर्फ सुनकर ही ट्रेजर का पता लगा लिया था, जिससे जियोयान और एल्डर सुकियान काफी हैरान थे। उन्हें ट्रेजर रूम में एक स्पेस बैरियर दिखाई दिया था, जिसमें से जियन ने ग्राउंड डीमन गोश्त के छिपाए हुए सभी रेयर ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था, जिससे जियोयान एक पपेट को रिफाइन कर सकता था। जियोयान ने अपने रूम में आकर तियानुओं के लिए स्पिरिचुअल रिकवरी एसेस तैयार किया था और ने फियर्स बॉडी को एजो करने के लिए थैंक्स कहा, पर तियानुओं ने उसके थैंक्स को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उस फियर्स बॉडी को एजो किया था। लिटिल फेई डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन बॉडी एरप्ट होने लग गई थी, जिससे चारों तरफ पॉइजन फैलने लगा। जियोली ने जियोयान को इस बारे में बताया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर अपने रूम में होती है। उसकी पॉइजन बॉडी एरप्ट होने लग गई थी, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी में से काफी जहरीली गैस निकल रही थी, जिससे आसपास मौजूद पक्षी भी मर रहे थे। एल्डर सुकियान ने सभी को बचाने के लिए उस घर के बाहर एक एनर्जी बैरियर बना दिया था, ताकि किसी को भी उस पॉइजन की वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। जियोयान भी अपने 3000 लाइटनिंग मुंह से एल्डर सुकियान के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की हालत कैसी है। एल्डर सुकियान निराश हुए कहते हैं कि मुझे डर है कि अभी उसकी हालत बहुत खराब होगी, मैं अंदर जाकर उसकी जांच करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर की जहरीली गैस काफी तेज है और इस पॉइजन को खत्म करना मेरे लिए नामुमकिन है, और मैं इस पॉइजन के असर से भी बच नहीं सकता, जिसकी वजह से मैंने यहाँ एक बैरियर बनाकर इस पॉइजन को रोका हुआ है। जियोयान परेशान होता है और तेजी से दौड़कर घर के अंदर चला जाता है। एल्डर सुकियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रोकता और लिटिल फेई डॉक्टर के रूम में आ जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर की हालत काफी खराब थी, वो उसे उठाता है और उसकी नब्ज को चेक करने लगता है। जियोयान परेशान होता है, क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वो सोचता है कि वॉयफुल पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जो इसके कॉन्शियसनेस पर भी अटैक कर रहा है। लिटिल फेई डॉक्टर की भी आंख खुल जाती है। वो जब अपने पास जियोयान को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पॉइजन जियोयान को नुकसान पहुंचाएगा। वो अपने हाथ को उसे छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी मेरी बॉडी से वो एफुल पॉइजन बाहर निकलने लगेगा और मुझे डर है कि वो तुम्हारी बॉडी को भी यहाँ पहुंचाएगा। जियोयान उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास ये ओनली फ्लेम है जिससे पॉइजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिटिल फेई डॉक्टर शांत हो जाती है। वो जियोयान के कंधे पर सर रखकर अच्छा फील करती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें फॉलो करके मुझे काफी अच्छा लगा और मेरी लाइफ खुशहाल हुई, तुम मेरे सबसे पहले दोस्त हो और मुझे डर है कि तुम ही मेरे आखिरी दोस्त रहोगे, क्योंकि उसे भी लगने लग गया था कि वो जल्दी मरने वाली है। वो जियोयान को बताती है कि मैं जल्दी उस पॉइंट पर पहुंचने वाली हूँ जब मेरी वॉयफुल पॉइजन बॉडी पूरी तरीके से एरप्ट हो जाएगी, जिससे मेरी बॉडी से तेज पॉइजन निकलने लगेगा, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट पहुंचे। जियोयान उसे कहता है कि तुम ऐसी बुरी बातें सोचना बंद करो, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ सब कुछ ठीक होगा, तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे पॉइजन बॉडी को एरप्ट होने से रोकने का कोई दूसरा रास्ता निकालूंगा, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और वो सोचने लगता है कि इस पॉइजन बॉडी के एरप्ट होने को कैसे रोका जा सकता है। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान को अपने लिए परेशान देखकर खुश होती है और सोचती है कि जब हमारी कोई इंसान परवाह करता है
तो उसका एहसास काफी अच्छा होता है। जियोयान सोच रहा था कि वह फुल पॉइजन बॉडी को खत्म करने के लिए अभी भी बॉडी लिक्विड पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिष्ट का कोर नहीं मिला है और मैं इतने कम समय में उसे कहीं से भी ढूंढ नहीं सकता। और वो काफी परेशान होता है। तभी तियानो की रिंग ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि नींद से जा गए थे। वो जियोयान से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी में इस वॉय फुल पॉइजन बॉडी को दोबारा देख पाऊंगा। जियोयान उनकी बात सुनकर हैरान होता है और उनसे पूछता है कि सीनियर, क्या आपने पहले भी किसी वॉय फुल पॉइजन बॉडी को देखा था? तियानो बताते है कि सालों पहले मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास भी वॉय फुल पॉइजन बॉडी थी, और मुझे याद है कि उसकी वॉय फुल पॉइजन बॉडी एरप्ट होने लग गई थी, और उस वक्त हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए एक सीलिंग मेथड बनाया जिससे उस वॉयफुल पॉइजन बॉडी को एरप्ट होने से 3 साल के लिए रोका जा सकता है। जियोयान ये सुनकर हैरान होता है। तियानो से कहते हैं कि उस सीलिंग मेथड से वॉयफुल पॉइजन बॉडी को एरप्ट होने से रोका जा सकता है, पर उससे तुम्हारी बॉडी को काफी नुकसान होगा। जियोयान इस बात की परवाह नहीं करता और तियानो से कहता है कि क्या आप मुझे वो सीलिंग मेथड सिखा सकते हैं? तियानो कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता और उसे अपने खास सीलिंग मेथड के बारे में बताने लगते हैं। लिटिल फेयर डॉक्टर जोर से खांसने लगती है, क्योंकि उसका वो एफुल पॉइजन धीरे धीरे उसके कॉन्शियसनेस में फैल रहा था। जियोयान लिटिल फेयर डॉक्टर के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी वो एफुल पॉइजन बॉडी को सील करने का एक तरीका मिल गया है। मुझे अपनी एवनली फ्लेम से तुम्हारे वो एफुल पॉइजन को सरप्रेस करना होगा, जिससे तुम्हारी वो एफुल पॉइजन बॉडी के फटने में 3 साल का वक्त बढ़ जाएगा। ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर खुश होती है, पर जियोयान थोड़ा परेशान था। वो उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारी बॉडी पर सील बनाऊंगा तब मुझ पर भी तुम्हारे वॉयफुल पॉइजन का असर होगा, पर मैं केयरफुल रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। लिटिल फेयर डॉक्टर परेशान होने लगती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और उसे लेटने को कहता है। लिटिल फेयर डॉक्टर उसकी बात मान लेती है। जियोयान कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना, मैं अब सील को बनाना शुरू करूंगा। जियोयान अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। वो तियानो के बताए हुए सीलिंग मेथड से लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में हेवनली फ्लेम को डालने लगता है, पर इससे उसकी बॉडी में मौजूद वॉयफुल पॉइजन गैस बाहर आने लगती है, जिससे लिटिल फेयर डॉक्टर को काफी पेन होने लगता है। इसीलिए वो अपनी फिंगर को बाइट करने लगती है, जिससे उसकी फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। जियोयान अब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी पर सील लगाने लगता है, जिससे वो नॉर्मल होने लगती है। ये देखकर जियोयान खुश होता है, पर तभी अचानक लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी में से काफी तेज पॉइजन निकलने लगता है। जियोयान इससे काफी डर जाता है। वो पॉइजन जियोयान को भी घेरने लगता है। जियोयान सोचता है कि लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉयफुल बॉडी सेल पर पलटवार कर रही है। जियोयान अभी भी हिम्मत नहीं हारता और उस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं फेल नहीं हो सकता, वरना मैं लिटिल फेयर डॉक्टर को बचा नहीं पाऊंगा, और वो अपनी पूरी पावर से उसकी बॉडी पर सील लगाने की कोशिश करता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिससे आसपास मौजूद सारा पॉइजन खत्म हो जाता है। ये देखकर एडस सुकियान भी हैरान होते हैं। अब आसपास की क्यू एनर्जी लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में एंटर करने लगती है, जिससे उसकी पावर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो प्रमोट हो गई थी, यानी अब वो 5-स्टार फाइट टेस्टर बन गई थी। लिटिल फेयर डॉक्टर इससे खुश होती है और उसे एहसास होता है कि उसकी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को सरप्रेस कर दिया गया है, जिससे वो मुस्कुराने लगती है। पर तभी उसे जियोयान का ख्याल आता है, जिससे वो आसपास उसे देखने लगती है। जियोयान दीवार के पास जाकर गिर गया था और उसकी पूरी बॉडी में लिटिल फेयर डॉक्टर का पॉइजन फैल रहा था, जिससे होश में नहीं था। ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर काफी डर जाती है। वो तेजी से जियोयान के पास जाती है, पर होश में नहीं आता। लिटिल फेयर डॉक्टर देखती है कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन गैस चली गई है और वो उसके पॉइजन को बाहर निकालने के लिए अपने मुंह को उसके पास लेकर जाती है और उसके सारे पॉइजन को वापस से अपने अंदर खींच लेती है। अब सुबह हो गई थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जियोयान अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और वो कुछ ही देर में होश में आ जाता है। लिटिल फेयर डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान उठ जाता है और उसकी बात का जवाब दिए बिना ही उसे पूछता है कि क्या मेरी सील ने काम किया। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हमें जवाब देती है और बताती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को दबा दिया गया है और उस सील की पावर के अनुसार 2 या 3 साल तक मेरी पॉइजन बॉडी एरप्ट नहीं होगी। जियोयान इससे काफी खुश होता है और कहता है कि यह काफी अच्छी बात है। 2 या 3 साल में हम बचे हुए इंग्रीडियंट
इंग्रेडिएंट को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे और वो पॉइजन स्कॉर्पियन कोर हमें जरूर मिलेगा। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एल्डर सुकियान उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो। जियोयान कहता है कि हमें कुछ नहीं हुआ तो एल्डर सुकियान इससे खुश होते हैं, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर प्रमोट हो चुकी है, जिससे वो चौंक जाते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर उन्हें बताती है कि मेरी वाइफुल पॉइजन बॉडी के एरप्ट होने से निकलने वाली पॉइजनस गैस ने मेरे लिए एक एक्सीलेंट टॉनिक की तरह काम किया, जिससे मैं 5 स्टार 5 टेस्टर में प्रमोट हो गई। एल्डर सुकियान अभी भी 4 स्टार 5 टेस्टर थे, इसीलिए काफी हैरान थे क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर इतनी छोटी होने के बावजूद भी उनसे आगे निकल गई थी। वो उनसे कहते हैं कि अब ये दुनिया वाकई यंग लोगों की दुनिया बन चुकी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।